तो एक इक्वेशन दी गई है जिसमें हमें बताना है कि पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को इस इक्वेशन में हम कहां पे राइट करें जिससे कि ये इक्वेशन करेक्ट हो। तो देखिए इसके लिए ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है वो अलग अलग नंबर्स पे लगा के दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन ऑप्शन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जिसके लिए भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं पहले यहाँ पे इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस में 7 दूनी 14, यहाँ पे -3, तो 14 5 19, 19 में से 3 गए तो यहाँ पे बचेगा 16। ठीक है अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट को। तो ये 5 प्लस में 7 मल्टीप्लाई 3 में से 2 गए तो बचेंगे 1, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो इसलिए आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे देखिए इसको 5 प्लस में क्या आ जाएगा, देखो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 7 ही आएगा, प्लस माइनस आएगा माइनस। तो 7 में से 5 गए 2, बड़े नंबर के साथ माइनस तो यहाँ पे आएगा माइनस। अभी देखिए सी ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पे। तो 5 और 7 12, देखिए दोनों ऑप्शन में हमारा 21 नहीं आया है तो इसलिए ना तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा और ना ही ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सी को देख लेते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे 5 और 7 12 गुना के 2 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 12 दूनी 24 माइनस 3, तो ये 21 आ गया। ठीक है तो यहाँ पे हमारा 21 ही आना चाहिए था, तो इसलिए जो ऑप्शन सी है इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पैरेंथेसिस को हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब इसका डी भी देख लेते हैं। तो डी में क्या आता है हमारा, तो ये आता है देखिए इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो 5 जमा के 14 माइनस 3। ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो 5 जमा के 14 में से 3 गए तो 11 आ गए, 11 और 5 16। तो इसके लिए ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा होंगे सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमको एक इक्वेशन दी गई है और यहाँ पे इस इक्वेशन में एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन मार्क को हम इन गिवन ऑप्शंस में जो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दिए गए हैं इनमें से किस मैथमेटिकल ऑपरेटर से रिप्लेस करें। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने तीन जो ऑप्शन है उनको ले लिया है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई को। तो मैंने वन बाय वन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक जगह तो प्लस लिख लिया है, यहाँ पे फिर माइनस लिख लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख लिया। इनको मैं चेक करके देख लेता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड को करेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस में 6 और ये -3 आ जाएगा, 4 3 से 12 और प्लस में 2 इट इज इक्वल टू 11। अब देखिए इसको कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 और 2 8, 3 2 5, तो 8 में से 5 गए तो ये आ जाएंगे 3, तो इसके इक्वल 11, ये 11 के इक्वल नहीं है तो ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे प्लस नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे फिर इसको कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 माइनस 6, तो -3 एंड प्लस में 12 इट इज इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस प्लस का इकट्ठा कर लेते हैं तो 2 और 2 4 और माइनस माइनस का इकट्ठा कर लेते हैं तो ये 6 और 3 9। ठीक है आप चाहे तो पहले यहाँ पे क्या करें, इसमें से माइनस करके कर लें, इसको 6 में से 2 गए तो -4, फिर यहाँ पे -1 तब भी आ जाएगा इट इज इक्वल टू 11। तो 9 में से 4 गए 5, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये इक्वल नहीं होगा 11 के, तो यहाँ पे माइनस भी इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं तो इधर देखता हूँ मैं यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे 3, प्लस में 2 इट इज इक्वल टू 11। अब इसको देख लेते हैं तो 2 6 12 -3 जमा के 2 बराबर 11। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको, तो 12 में से 3 गए तो 9 जमा 2 बराबर 11, मैंने इसको सॉल्व किया था तो 9 और 2 11 और ये 11, इसीलिए मैंने यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट नहीं किया। तो इसके लिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है तो इस क्वेश्चन मार्क को कौन सा साइन रिप्लेस करेगा, ये करेगा मल्टीप्लाई का।